ABPS News। नमस्कार, ABPS News चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरती सिंह और आज आपके लिए लाई हूँ फिर से अखबारों की सुर्खियाँ। चलिए आपको ले चलते हैं अखबारों की सुर्खियों की तरफ, जिन्होंने आज के अखबारों पर अपने छाप छोड़ी है। तो चलिए ले चलते हैं हिंदुस्तान की ओर। ये कर्नाटक द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई है। बताया जा रहा है येदियुरप्पा के सामने बहुमत बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। कर्नाटक का रण है, तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले पर सुनवाई। कर्नाटक में सियासी उठापटक मच चुकी है। गुरुवार को भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने जल्द बहुमत साबित करने का दावा किया है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा जुटाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। उन्हीं के द्वारा कुछ बताया गया है, मुझे विश्वास जीतने और सरकार के 5 साल पूरे करने का भरोसा है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा ये शब्द इस अखबार में छापे गए हैं। उसी के साथ बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे आम जनता पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। महंगाई की वजह से जनता बहुत परेशान है। आम जनता किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है। क्या कोई भी सरकार महंगाई को थाम सकती है या नहीं, जनता का यही प्रश्न हमेशा मन में उठता रहता है। तो आइए पढ़ते हैं इस खबर को। नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ये खबर है। देश में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। इसमें 4 रुपये लीटर तक का इजाफा हो सकता है। गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 22 पैसों की वृद्धि हो गई है। इसी के साथ आम जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल की महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या होगा इस देश का, क्या महंगाई कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी? आम जनता ऐसे ही सफ़र करेगी, अपनी ज़रूरतों को अपने मन में मारती रहेगी और महंगाई से ही। अगली खबर पर ये खबर आई है वाराणसी से प्रकाशित ये खबर है। सेतु निगम के MD समेत 7 दोषी पकड़े गए हैं वाराणसी हादसे में। MD राजन मित्तल हटाए गए हैं। लखनऊ वाराणसी हादसे में आरोप झेल रहे राज्य सेतु निगम के MD राजन मित्तल को आखिरकार पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर JK श्रीवास्तव को सेतु निगम की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी में निर्माणधीन फ्लाई ओवर की बीम गिरने के मामले में जांच कमेटी ने सेतु निगम के MD राजन मित्तल, मुख्य परियोजना प्रबंधक SC तिवारी, पूर्व परियोजना प्रबंधक गेंदालाल समेत 7 अभियंताओं को दोषी पाया है और मुख्यमंत्री ने इस पे तुरंत ही एक्शन लिया है। उनको हटाया गया है और उनसे पूरी भरपाई की जाएगी। इसी के साथ समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ABPS न्यूज चैनल के साथ। ABPS न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ABPS न्यूज में। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब अमर उजाला की तरफ, जहां कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। एक खबर लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री को 15 दिन में खाली करने होंगे सरकारी बंगले। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने 6 पूर्व CM को भेज दिया है नोटिस, जिसमें शामिल है NDA तिवारी जी, कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, मायावती जी और अखिलेश। जी हाँ, लखनऊ से ये खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी करते हुए बंगले खाली करने के लिए 15 दिन का। तो उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बेटियों ने पिता के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, ये खबर प्रकाशित हुई है। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार निवासी यशपाल आर्य के अंतिम संस्कार में बेटियों ने सभी जिम्मेदारियां निभाकर ये साबित किया है। अब बेटियां बेटों का स्थान ले रही हैं। चारों बेटियां कुसुम सुमन पूनम नीलम ने केवल पिता की अर्थी को कांधा नहीं दिया बल्कि मोक्ष धाम जाकर विचिता को अग्नि भी दी है, कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ये थी पुरानी परंपराएं जो पीछे रह चुकी हैं और बढ़ते समाज के साथ और नई परंपराएं बन रही हैं, नई परंपराएं बन रही हैं और नए रीति रिवाज बन रहे हैं, जिसमें बेटियों को भी पूरा हक दिया जाता है सभी परंपराएं निभाने का
और वे अपने कर्तव्य निभाती हैं। तो एबीपीएस न्यूज में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होती हूँ अखबार की सुर्खियों के साथ। नमस्कार। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस को लाइक फॉलो जरूर करें।